दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ब्लू स्टार का नॉर्मल एसी है, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम है। हम लोग आए हैं अभी, ये रहा कंप्रेसर, इस कंप्रेसर से प्रेशर होल्ड करेंगे। आउटडोर से कैसे प्रेशर दिया जाता है उसको भी बताते हैं आप लोग। ये जो डिस्चार्ज वाली पाइप होती है उसको खोल लेना है, आउटडोर से कनेक्शन हटा देना उसका। खोलने के बाद इसमें सिंगल जो गेज होता है, ये रहा गेज, इस गेज को लगा के उसमें प्रेशर देंगे। ऐसे प्रेशर डालने से क्या होता है, ये डायरेक्ट इंडोर में जाएगा, इंडोर से पाइप का ये वाली जो एलंकी हाफ क्वार्टर की होती है, इसको दोनों को बंद कर देना है और एक पाइप डिस्चार्ज वाली पाइप को खोलना है। खोलने के बाद उसमें सिंगल गेज लगाएंगे। सिंगल गेज लगाने के बाद उसमें ये प्रेशर इधर से देंगे। ऐसे क्या है कि आपका इंडोर से ये जो पाइप का कनेक्ट होता है, दोनों के बीच में लीकेज अगर रहेगा तो पता चल जाएगा। अभी क्या है, संदीप भाई ये लगा रहे हैं, गेज को अच्छे से टाइट कर लेना है यहाँ पे। टाइट हो चुका है, ये वाल खोल देना है यहाँ से, ये वाल खोलना है, इसको खोलना है, यहाँ से वाल पूरा खोल देना है। वाल खोलने के बाद ही इसमें एक पाइप लगानी है इधर से, फिर ये रहा हमारा कंप्रेशर, फिर से डालने का, इधर से इसको भी प्रेशर होल्ड किया जाएगा। ये क्या है, ये कनेक्शन देना है पावर इसको। अभी क्या, ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं प्रेशर इसमें जा रहा है। तीन सौ तक इसमें डालना है प्रेशर, इंडोर से पाइप के बीच में। प्रेशर डालने के बाद इसको होल्ड करना है, होल्ड करके लीक चेक करेंगे यहाँ से वाल के पास से। यहाँ से हमारे ड्राइंग है, तीन सौ पी एस आई आ चुका है, ये प्रेशर होल्ड हो चुका है। क्या सारा पानी झाग से इसको चेक करते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये लीकेज मिल चुका है इसकी, ये यहीं से है लीक प्रॉब्लम, बाहर माइनर लीकेज था यहाँ। अभी क्या है, प्रेशर इसमें दिए हैं, इधर से लीकेज आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लीकेज तो हम लोग ने ठीक कर दिया है। अभी क्या है, एक वैक्यूम नहीं था हमारे पास, तो इससे ही वैक्यूम करती हैं, कंप्रेसर से ही। हाँ, 20 मिनट से ऊपर ही हो चुका है, ऐसा करते हैं अच्छा ही होगा। वैक्यूम पंप नहीं था, उसकी वजह से ही यहीं से करना पड़ा। ये लीक यहाँ से बन चुका है,
अभी क्या है इसमें अब गैस डालेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं संदीप भाई गैस खोल रहे हैं आराम से, ये गैस खोल दिए हैं, ज़्यादा नहीं खोलना है, बस बस बस। अभी क्या है इसमें थोड़ा सा गैस डालने के बाद ही मशीन को ऑन करते हैं। अभी देखिए पर्च करेंगे यहाँ से पाइप के पास से जो एयर है उसको निकालेंगे। गैस संदीप भाई गैस खोलेंगे, ये हमारे लिक्विड परफॉर्मेंस में देखिए। ये तो काफ़ी तेज़ी से गैस खोल दिए, आराम से बोलिए आराम से। धीरे धीरे गैस इसमें डाल दीजिएगा। गैस को डाल चुके हैं, हमें इंदौर अब ऑन करते हैं। जब भी गैस चार्जिंग करें रूम का डोर और लॉक कर देना है, जैसे कि गैस कूलिंग बाहर ना जाए, उससे क्या है हमारा बैक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जाता है। इधर सब डोर क्लोज है। स्टॉप कर देना। अभी क्या है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संदीप भाई गैस चार्जिंग कर रहे हैं। ये हमारी आउटडोर यूनिट चालू हो चुकी है, काफी आसानी से धीरे धीरे इसको आस्था से चार्जिंग करना है। तो जैसा कि अब लग रहा है ये आउटडोर यूनिट बन चुका, बंद हो गया यार, ये लाइट कट गया होगा, देखते हैं इंडोर के पास लाइट हो सकता है। कट गया, लाइट कट गया क्या? हाँ पावर कट गया, ये देख सकते हैं पावर कट गई, गैस डालते समय ये लाइट कट गया। ठीक है अपने गैस होल्ड वहीं पे रहेगी, जैसे ये लाइट आती है यूनिट होने के बाद, यूनिट ऑन होने के बाद ही इसमें गैस धीरे धीरे चार्ज करेंगे। ठीक है लाइट आ जाने के बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। जैसा कि देख रहे हैं लाइट आ चुका है, ये हमारा इंडोर आउटडोर ऑन हो चुका है। इसमें भाई गैस डाल रहे हैं इसमें, बहुत धीरे धीरे ही गैस डाल रहे हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप लोग ये बैक प्रेशर इसका 100 पर पहुंच गया। तो ये गैस चार्जिंग हम लोग का फुल हो चुका है।